हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी स्नैक ऑप्शन फॉर लिटिल वन, विच इज़ व्हीट एंड ड्राई फ्रूट लड्डू। तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं एंड एट द सेम टाइम ये बच्चों को हेल्प करते हैं वेट गेन में, क्योंकि यूजली एक साल के बाद बच्चे वेट लूज करने लगते हैं बिकॉज वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये लड्डू से बच्चों को वेट गेन में भी हेल्प मिलेगी, एट द सेम टाइम काफ़ी एनर्जी मिलेगी क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो ये बच्चों की एनर्जी को मेंटेन रखने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। और अभी आ रही है दिवाली एंड विंटर्स, तो ये लड्डू काफ़ी अमाउंट ऑफ वार्म्थ भी प्रोवाइड करता है बॉडी में। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कप आटा, हाफ कप घी, 1/4 कप गुड़ और हाफ कप नट पाउडर। तो यहाँ पे मैंने जो नट्स यूज़ किए हैं वो है आमंड्स, वॉलनट्स एंड कैश्यूज। तो इस नट पाउडर की रेसिपी मैंने अपने चैनल में शेयर की थी, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। तो आइए अब लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन को रख दिया है मीडियम फ्लेम पे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ घी। तो घी को हम लोग अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। तो घी अब मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ आटा, फिर हमको इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो अब फ्लेम आप लो कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, प्रॉपरली मिक्स करें ताकि कोई लम्स वगैरह ना हो। इस स्टेज पे आपको लग सकता है कि घी बहुत कम है, बट जैसे जैसे आप स्टर करते जाएंगे, उसको कुक होता जाएगा आटा, उसी तरीके से आपका घी मेल्ट होने लगेगा आटे में से। इसको हमको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है, अदरवाइज बहुत जल्दी जलने के चांसेस होते हैं और अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तो आप कंटिन्यूसली इसको इसी तरीके से स्टिर करते रहें। तो देखिए अब ये काफ़ी हद तक घी छोड़ रहा है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अगर इस स्टेज पे भी आपको लगता है कि घी कम है तो आप थोड़ा और घी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अब ये आटा कुक हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और एक अच्छे से स्मेल आ रही है इसमें। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फिर नट पाउडर एंड जैगरी और फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो गुड़ है उसको आप अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि वो प्रॉपरली पूरे आटे में अच्छे से फैलना चाहिए। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, बट अभी आटा थोड़ा गर्म है इसलिए मैं इसको इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो ये जो हमारे लड्डू का मिक्सचर है इसको मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट में, ठंडा होने के लिए मैं छोड़ दूंगी इसको थोड़ी देर के लिए, फिर हम लोग बनाएंगे इसका लड्डू। तो ये आटा अब काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बनाऊंगी। तो मैंने इतना सा डो ले लिया है हाथ में और इस तरीके से हमको इसको रोल करना होगा ताकि प्रॉपरली लड्डू का शेप ले ले। इस स्टेज पे भी अगर आपको लगता है कि घी कम है तो आप इसमें थोड़ा सा और घी ऐड कर सकते हैं और फिर आपको हाथ में इस तरीके से ले कर राउंड शेप देना है। तो इसी तरीके से मैं बाकी सारे लड्डू भी बना लूँगी। और लड्डू बनने के बाद हमको अराउंड 4-5 आवर्स के लिए इसको बाहर ही छोड़ देना है ताकि ये प्रॉपरली ठंडा हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाता है फिर आप इसको स्टोर कर सकते हैं एक एयरटाइट कंटेनर में, लेकिन प्रॉपरली ठंडा हो उसके बाद ही आप किसी कंटेनर में इसको स्टोर करें। और इस लड्डू का बेस्ट पार्ट है कि ये काफ़ी वीक्स तक एकदम फ्रेश रहता है, आप इसे रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं 3-4 वीक्स के लिए आराम से, और जब भी अपने बच्चों को देना हो आप हल्का सा इसको गर्म कर लें ताकि वो प्रॉपरली मेल्ट हो जाए। तो ये लड्डू एक बहुत ही हेल्दी स्नैक ऑप्शन है बच्चों के लिए और आप इसे किसी भी टाइम पे दे सकते हैं। तो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ जो मिड मॉर्निंग स्नैक होता है उस टाइम पे प्रिशा को देना, बट आप चाहें तो किसी भी टाइम पे किसी भी मील्स के बीच में बच्चों को दे सकते हैं। तो हमारे लड्डू अब रेडी हैं, अब मैं इसको प्रिशा को खिलाने जा रही हूँ एंड देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन है। प्रिशु, हाउ इज लड्डू, यू लाइकिंग इट? तो प्रिशा को तो लड्डू बहुत पसंद आया, आप भी इसे जरूर ट्राई करें, नॉट ओनली विद योर किड्स बट विद योर एंटायर फैमिली। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।